ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। सभी पार्टियां ओबीसी आरक्षण को लेकर अपने समर्थन का पक्ष रख रही हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि ओबीसी वर्ग को राज्य में 27% आरक्षण दिलाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसके लिए विधानसभा में एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कानूनी विषयों और कोरोना के चलते राज्य में फिलहाल आगामी करीब 6 महीने तक नगरीय निकायों के चुनाव होना मुश्किल है। ओबीसी आरक्षण मुद्दा एक ऐसा विषय बन गया है जिसे हर पार्टी भुनाना चाहती है, फिर चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। पहले कमलनाथ की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 27% किए जाने का पुरजोर प्रयास किया। अब कोर्ट से खारिज होने के बाद भाजपा की सरकार इस मुद्दे को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर ओबीसी आरक्षण का विरोध होने का आरोप लगा रही हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि भाजपा पूरी तरह इस आरक्षण के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस इस मसले पर केवल राजनीति कर रही है। कांग्रेस मूल रूप से ओबीसी की विरोधी ही है। यदि वर्ष 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने जातिगत आधार पर जनगणना का काम ना रोका होता तो इस तबके को अब तक आरक्षण का लाभ मिल सकता था। उन्होंने कहा, ओबीसी आरक्षण पर विधानसभा में एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई जा रही है, जिसके तथ्यों की मदद से हम इस आरक्षण के लिए एक बार फिर हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। फिलहाल आरक्षण के विषय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना भी अभी बाकी है। देखिए, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिले। ये सिर्फ कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा है। 1955 में जातिगत जनगणना पर उस समय नेहरू जी ने रोक लगाई थी और उस कारण से जातिगत जनगणना नहीं हो पाई, और नहीं तो उस समय ओबीसी को आरक्षण मिल जाता। कांग्रेस हमेशा ओबीसी के खिलाफ रही है। मध्य प्रदेश में आज तक कभी ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं बना। ओबीसी जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भारत सरकार ने पहली बार किया है। कांग्रेस की सरकार में कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। साथ में हमारी सरकार इसको लेकर विधानसभा में स्टैंडिंग कमेटी भी बना रही है, जो इस आरक्षण को लेकर पूरा अध्ययन करेगी और सारे तथ्यों के साथ आने वाले समय में हम लोग हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। इसलिए स्पष्ट है कि हमारी सरकार पूरी तरह से 27% आरक्षण ओबीसी को मिले इस पक्ष में है और हम पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कानूनी विषयों तथा कोरोना के चलते राज्य में फिलहाल आगामी करीब 6 महीने तक नगरीय निकायों के चुनाव होना मुश्किल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी माननीय न्यायालय में कोरोना के कारण अभी चुनाव कराने में असमर्थता जताई है। कोरोना को लेकर कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोशिशों और मार्गदर्शन के चलते कोरोना की स्थिति देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी ठीक है। हम तीसरी लहर का भी पूरी तरह और पूरी ताकत से सामना करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस इस गंभीर मामले में भी लोगों की मदद करने की बजाय केवल राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस में मची उथल पुथल पर भूपेंद्र सिंह ने तंज कसा और कहा, कांग्रेस आपसी झगड़ों की शिकार है। इसके चलते इन तीनों राज्यों में उसकी सरकारें अभी भी गिर सकती है। नहीं, इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। पार्टी और हम माननीय मुख्यमंत्री जी बैठकर इस पर निर्णय करेंगे कि चुनाव प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष। देखिए, कांग्रेस का रचनात्मक कार्यों से कोई संबंध नहीं है। कोरोना काल में कांग्रेस का कोई भी नेता सड़क पर नहीं आया, कोई भी नेता ने चिंता नहीं की, व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी कोरोना काल में लोगों की सेवा में लगा हुआ था और सरकार ने जिस तरह से प्रयास किए, उसका ही परिणाम था कि देश में जहां पर केस 80,000 70,000 तक पर डे पहुंच रहे थे,
मध्य प्रदेश में हम लोग काफी हद तक रोकने में सफल हुए और आज की स्थिति में देश में सबसे नीचे हमारा स्थान है। आज की स्थिति में प्रदेश में नाके बराबर केस हैं। देश की तुलना में आज मध्य प्रदेश पूरे देश में कोरोना के मामले में 32वें स्थान पर है और इसलिए पूरे प्रयास सरकार ने किए हैं, उसका ही परिणाम है। और आगे हम लोग सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, कई जगह लग गए हैं, सभी हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने का काम हो रहा है, भोपाल में भी हो रहा है। और सरकार, अगर भगवान ना करे ऐसा हो पर होता है, तो सरकार पूरी तरह से तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है और सरकार की कोशिश होगी कि कोई कठिनाई ना आए। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के सागर स्मार्ट सिटी को लेकर किए ट्वीट पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सागर के सभी 48 वार्डों में खेल मैदान बना रही है, अन्य सुविधाओं का भी वहां और पुख्ता प्रबंध किया जा रहा है। सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों का इस तरह संपूर्ण विकास कर रही है। देखिए, सागर में हम लोगों ने ये तय किया है कि जो सागर नगर निगम के 48 वार्ड है, सभी 48 वार्डों में हम लोग खेल मैदान बना रहे हैं। उसको लेकर वीरन सहवाग जी ने ट्वीट किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और ये हमारी कोशिश इसी तरह से प्रदेश के हर नगर निगम में, हर नगरी निकाय में होगी। साथ में हम प्रदेश के जो हमारे बस स्टैंड हैं, बस स्टैंडों को भी सुधारने का अभियान प्रारंभ हम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे प्रदेश के बस स्टैंड अच्छे हो सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।